800, 900, 1000 तक आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और मुझे कल से अभी तक जो है काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि पास्टर डैनियल आप इस प्रोग्राम को बंद ना करें, कंटिन्यू करें, लेकिन कुछ वजह है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसके चलते मैं इसको आज ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द आपके बीच में कुछ अलग तरीके से हम आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है ना। और साथ ही साथ मेरे जो वीडियोस पे 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज का वो जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, एवरी डे वो जो कंटिन्यू रहेगा। मैं कुछ दो दिन से नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि ये जो स्लाइड्स जो हम तैयार करते हैं उसमें काफ़ी वक्त चला जाता है, ठीक है ना। नाउ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, 270 लोग जुड़ चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और भी तादाद में आप लोग जुड़ते चले जाएं। जिन्होंने शायद पोस्ट नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने कल डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं 8 बजे आऊँगा, हो सकता है कि उनको नहीं पता, पोस्ट नहीं देखा होगा, वो शायद धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, लेकिन आप लोग अभी से शेयर कर दीजिएगा और ताकि बहुत सारे लोगों तक जो है हम पहुँच सकते हैं। नाउ साथ ही साथ जितने हमारे पैनल के पास्टर्स थे जो अभी तक आप लोगों से बात कर रहे थे, अगर वो देख रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। पास्टर मणि थे, पास्टर पॉल थे, पास्टर सॉल थे, पास्टर मोजेस थे, पास्टर अब्राम थे, पास्टर कपिल साहब से आज बात करेंगे, पास्टर स्टीफन थे, पास्टर डेविडसन थे, पास्टर रजनीकांत थे जो कि कनेक्ट नहीं हो पाए, फिर उसके बाद में पास्टर क्या कहते हैं उनको, पास्टर काफ़ी पास्टर थे, नाम बताइए, पास्टर अब्राम थे, नहीं उनका नाम ले चुका हूँ, पास्टर राजेश, ब्रदर राजेश जो मुंबई से थे, और कोई नहीं, स्टीफन का हो चुका है, और मुझे लगता है कि पास्टर पानेकर अमित पानेकर, उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है बताया गया, बट उन सब से हम बात कर चुके हैं और उन सभी का धन्यवाद देते। और आज एक व्यक्ति जो कि ब्रदर लॉरेंस है भरतवाड़ा से, आज वो जुड़ेंगे, ठीक है ना, आज उनसे बात करेंगे। आज हम सिर्फ 2 पास्टरों से बात करेंगे या 2 सेवकों से बात करेंगे, आज ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अद्भुत है। ये तीनों भी अपनी अपनी जगह पे बहुत अद्भुत है, कम से कम 300 लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। शेयर कर दीजिए अभी से ताकि जो लोगों तक जो है परमेश्वर का वचन पहुँच सके। आप जिनको शेयर करते हैं ना दोस्तों, उनको भी कहें कि वो दूसरों को शेयर करें, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि परमेश्वर का जो वचन है लोगों तक पहुंचेगा। और मकसद एक ही है दोस्तों, मैं तो वैसे ही बता चुका हूं, पैसे नहीं कमाता, वो चाहे YouTube हो या कोई भी जरिया हो, हम सारी चीज़ें मुफ्त में करते हैं, ये बात आप जानते हैं। मकसद एक ही है कि लोगों तक संदेश जाए। जी जी, अभी कितने लोग हैं ना दोस्तों, ये जो विषय है आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आपने ये क्यों उठाया, मतलब मैं समझता हूँ कि अभी तक इसके ऊपर शायद ही किसी ने बात किया होगा, मैं नहीं जानता, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में 26 साल के मिनिस्ट्री में मैंने ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कोई टॉपिक अभी तक मेरी आंखों के सामने कहीं से भी नहीं आया कि क्या मरियम से पैदा होकर यीशु पापी हो गया था। इस विषय के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने अभी तक जो है वो बात करी है। अगर ऐसा है और अभी तक किसी ने बात नहीं करी है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप क्यों कर रहे हैं, तो मैं उसके पीछे आपको वजह बताता हूं। दरअसल ये प्रश्न उन लोगों ने उठाया है जो यीशु को नबी मानते हैं। अगर आप समझ गए होंगे कि कौन सी वो कौम है या लोग हैं जो यीशु को नबी मानती है, और आप समझ गए होंगे, खैर मैं खुलकर बात कर सकता हूं लेकिन अभी उसमें नहीं पढ़ना है, ऐसा कोई कौम है या जो कहते हैं कि यीशु नबी है, ये प्रश्न वहां से उठा है। और साथ ही साथ में कुछ लोग और भी हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, जो कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मरियम से मेरा मतलब स्त्री, महिला, औरत, अगर यीशु मसीह पापी नहीं है तो जो भी औरत से पैदा होता है, बाइबल कहती है, खास करके अय्यूब की किताब में लिखा है कि जो भी औरत से पैदा होता है वो पापी होता है। अगर ऐसी बात है तो यीशु जो पैदा हुआ, अगर वो भी औरत ही है, हालांकि वो मरियम है, यीशु जो पैदा हुआ वो औरत है, तो यीशु भी पापी हो गया, फिर बाइबल क्यों कहती है और आप लोग क्यों प्रचार करते हो कि यीशु मसीह पवित्र है। ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं उठाया, मैं तो 100% नहीं 100% मानता हूँ यीशु पवित्र है, था और रहेगा, उसका तो कोई विषय नहीं है और उसके ऊपर हमें चर्चा करनी भी नहीं है, हम 100% नहीं 100% मानते हैं। लेकिन कुछ नबी लोगों ने जो यीशु को नबी मानते उन्होंने उठाया क्योंकि बलिदान के लिए वो कहते हैं पवित्र लहू चाहिए। अगर पवित्र लहू चाहिए जो कि निष्कलंक मेमना यीशु मसीह बना, उसमें कोई दो राय नहीं है,
लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि अगर मरियम से यीशु पैदा हुआ तो वो पापी हो गया, तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, और ऐसे लोग जो मेरे भाई हैं उन सभी को कहना चाहूंगा जो ऐसा कहते हैं कि यीशु औरत से पैदा होकर पापी हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है आज मैं इसको क्लियर करूंगा। लेकिन मैं साथ ही साथ वेट करना चाहता हूं कि लोग जुड़ते जाएं, आप जितना तादाद में जुड़ सकते हैं, आज आखिरी दिन है, जुड़ते जाएं और साथ ही साथ इसको शेयर करते जाएं ताकि लोगों तक जो है परमेश्वर का ये जो वचन है, ये जो टॉपिक है, उन तक हम पहुंचा सके। मैं साथ ही साथ जितने जिसको कहते हैं नॉन फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट, मतलब जो यीशु के अनुयायी नहीं है, जो यीशु को फॉलो नहीं करते, अगर वो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि सर आपको ये देखना होगा, आपको ये सुनना होगा और आपको समझना होगा कि क्यों यीशु मसीह औरत से यानी मरियम से पैदा होकर पापी नहीं हुआ। साथ ही साथ जितने हमारे पैनल के लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं जो हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लेते हैं, वो अगर देख रहे हैं तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग भी देखिए, एक नई और एक अद्भुत चीज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। मैं वापस कहता हूं कि यीशु मसीह को ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह मरियम से पैदा होकर पापी हो गया और वो पवित्र लहू चाहते थे, अगर पवित्र लहू चाहिए था तो फिर यीशु से पैदा होकर जो है वो पापी हो सकता है, ये प्रश्न जो है वहां पर उठता है। नाउ इसको देखिए, सबसे पहले यीशु का जन्म कैसे हुआ, दोस्तों आइए देखते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि सबसे पहले यीशु का जन्म कैसे हुआ, आइए उसको देखते हैं। नाउ यशाया की किताब उसका 7:14, मैं रिपीट करता हूं, यशाया की किताब उसका 7:14 में लिखा है, द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 7:14। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी जो है वर्ड्स को कोट करूं, रेफरेंस को कोट करूं, तो ये आप लोगों के लिए और खास करके जो यूएसए से हैं वो लोग देख रहे हैं तो मैं उनके लिए कह रहा हूं। नाउ लिखा है कि इस कारण, नाउ नीता सोलोमन जी अगर आप देख रही हैं तो इसी रेफरेंस को इंग्लिश में डाल दीजिए। नाउ 440 लोग अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जुड़ते जाएं, देखते जाएं। आज थोड़ा टाइम लेट चेंज हुआ है, मतलब चेंज हो गया है, जिसके चलते मैं समझता हूं कुछ लोग नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी आप लोग 400 के ऊपर लोग देख रहे हैं, मैं आपका परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आइए वचन को पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा सलोमी आप जल्दी से इस वचन को पढ़ें। जी जी, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जी वापस पढ़िएगा, जी इसमें पढ़िएगा प्लीज। नाउ बड़े ध्यान से सुनिए, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, जी सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ऐसा लिखा है यशायाह की किताब में दोस्तों, जो कि कहता है कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी। ये जो शब्द है ना कुंवारी, ये तब नहीं कहता कि ये कुंवारी कौन होंगे, लेकिन यशाया के द्वारा ये प्रोफेसी हुई थी कि एक कुंवारी एक औरत गर्भवती होगी। तो इसका मतलब है यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले, मैं रिपीट करता हूं कि यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले ये प्रोफेसी हो चुकी थी कि यीशु कैसे पैदा होगा। मेरे जितने भी भाई सुन रहे हैं वो जो यीशु के फॉलोवर्स नहीं है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको ये समझना होगा, जिसको हम कहते हैं तोरा, यहां पर जिक्र हो चुका था, जो यहूदी कौम थी, जो इजरायली नेशन था, जो वहां के लोग थे, उनको पता था कि एक मसीहा पैदा होगा, मसीहा पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, यशायाह ने प्रोफेसी कर दी थी। अभी इसी को जब यीशु पैदा हुआ तो इसको देखे कैसे लिखा है मत्ती की किताब ने, लिखने वाले ने, उसने लिखा है पहला मत्ती की किताब पहला अध्याय द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1:23 कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब है यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो परमेश्वर था, और यशाया की भविष्यवाणी को कनेक्ट करके बताया गया कि यही है वो परमेश्वर जो आपके साथ होगा। तो ये सबसे पहली बात यहां क्लियर होती है कि यीशु कैसे पैदा होगा, एक कुंवारी के द्वारा पैदा होगा। ना मरियम को हम पापी नहीं बोल सकते और ना ही यीशु को पापी बोल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि जिस औरत के द्वारा यीशु पैदा हुआ वो औरत का नाम था मरियम, मैं रखने जा रहा हूं, लेकिन मरियम को हम पापी नहीं बोल सकते, यीशु को पापी नहीं बोल सकते। प्रश्न उठता है क्यों? नाउ कितने लोग देख रहे हैं मुझे बताते जाइए। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़ते जाएं, बातों को समझते जाएं और जितना हो सकता है शेयर करते जाएं। मैं रिपीट करता हूं, मेरे जितने भी भाई लोग पास्टर सेवक लीडर्स इवेंजेलिस्ट आप जो सभी देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टॉपिक बहुत गजब का है। मैं रिपीट करता हूं कि मरियम को हम पापी नहीं बोल सकते, जबकि उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसके बावजूद
मैं रिपीट करता हूं कि मरियम को हम पापी नहीं बोल सकते, और जितने पास्टर्स और बाइबल स्टडी करने वाले और थियोलॉजी स्टडी करने वाले, आप जितने भी डॉक्ट्रिन्स को स्टडी करते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको ये समझना होगा कि मरियम को हम पापी नहीं बोल सकते और ना ही यीशु मसीह को। क्यों? आइए सुनते हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं मरियम की, यानी जिसके द्वारा यीशु पैदा हुआ उसको हम पापी नहीं बोल सकते। उसका जवाब है कुछ ऐसा, क्योंकि लिखा है, ये शब्द को देख लीजिए, क्योंकि मरियम पापी नहीं हो सकती, क्योंकि मरियम एक, बहुत ध्यान से देखना इसके नीचे आएगा, शब्द को ठीक से देखिएगा, मरियम एक यहूदी महिला थी। मैं रिपीट करता हूं, मरियम पापी नहीं हो सकती, वो इसलिए नहीं हो सकती। मुस्लिम्स तुम सुन रहे हो, हिंदू तुम सुन रहे हो, और जितने भी हमारे ईसाई लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि जो मरियम है जिसके द्वारा यीशु का जन्म हुआ वो यहूदी थी, वो पापी नहीं हो सकती। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल ऐसा क्यों, मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय वचन 16 जो वहां पर लिखा है, ये वो औरत है जिसका जिक्र हुआ है यीशु के वंशावली में। मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह के वंशावली में अब्राहम से लेकर दाऊद तक, दाऊद से लेकर बैबिलोन तक, बैबिलोन से लेकर यीशु तक, जो 14 14 14, यानी कि तीन बार जो 14 पीढ़ी आई है, जिसको हम काउंट करेंगे तो 42 होना चाहिए, लेकिन वो 41 है, वो विषय अलग है, क्योंकि 42 जनरेशन, जो 42nd जनरेशन है वो यीशु का है, जिसमें आप और हम आते हैं, वो विषय कभी बात करेंगे, लेकिन वहां पर मरियम का नाम है। मैं रिपीट करता हूं, नेशन जो इजरायली है, जिसमें दो कौम हो गया, एक हो गया इजरायली, दूसरा हो गया जूश यहूदी, और उसमें से जो निकल कर आई है ये वो औरत है जिसको आप कहते हैं मरियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैरी, ये वो औरत थी। मैं दूसरी चीज और एक कनेक्ट कर देता हूं कि मैरी जो है, मरियम जो है, वो रोम की नहीं है, वो कैथलिक की प्रॉपर्टी नहीं है, बड़े ध्यान से समझना होगा, वो एक यहूदी महिला थी, शी वॉज अ जूश लेडी, वो एक पवित्र औरत थी, वो एक महिला थी जिसको परमेश्वर ने चुना था, और उसका उद्धार, जिसको कहते हैं जूश के हिसाब से, मैं वचन रख रहा हूं, यहूदी के हिसाब से जो औरत थी, वो जो मरियम थी, वो पापी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो अंडर द लॉ थी। मैं वापस कहता, व्यवस्था के अधीन में थी वो, तो उस वक्त में अब्राहम से लेकर मूसा तक, जी हाँ मूसा तक, और मूसा से लेकर मत्ती की किताब आने तक जितने भी व्यवस्था के अधीन में हुए या व्यवस्था का पालन करे या व्यवस्था के नियमों को पालन करते थे, वो सारे के सारे व्यवस्था के चलते उद्धार पाते थे। व्यवस्था के चलते, जब तक सेक्रीफाइस नहीं हुआ, जब तक यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ा, तब तक जो है अनुग्रह का उद्धार या सेल्वेशन नहीं आया, लेकिन उसके पहले आता था व्यवस्था के द्वारा उद्धार। तो आज अब्राहम कहाँ है? स्वर्ग में। हालो कहाँ है? स्वर्ग में। मूसा कहाँ है? स्वर्ग में। सैमुएल कहाँ है? स्वर्ग में। दाऊद कहाँ है? स्वर्ग में। वो कैसे उद्धार पाए स्वर्ग में जाने के लिए? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा। अगर कोई विचित्र प्राणी या बुद्धिजीव जो बैठा है, जो मसीहत के बाहर है, जो बाइबल को ठीक से नहीं समझता, वो उठपटांग बातें करते हैं, वो कहते रहते हैं कि मरियम जो है औरत है, आदम से पैदा हुई है, वो पापी हो सकती है, तो मैं उनको समझा देता हूं कि ये सच है कि वो मरियम जो है आदम की वंशावली है, क्योंकि हव्वा और आदम से ही सब पैदा हुए, लेकिन वो पापी की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि वो व्यवस्था में पैदा, व्यवस्था के अधीन में थी, और वो एक यहूदी औरत थी। आप उसको पापी कैसे बोल सकते हैं? तो यीशु ने मरियम को क्यों चुना? क्योंकि वो पवित्र थी, वो धर्मी थी, और परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना, उसके जो शादी हो रही थी वो था जोसेफ, यूसुफ, उसको भी चुना, उसको भी धर्मी कहा गया, और उस वक्त में परमेश्वर की दृष्टि इस औरत पे पड़ी। ना इसको देखिए, मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 3 में, क्या यह वही बढ़ई नहीं? यीशु की बात हो रही है, क्या यह वही बढ़ई नहीं? क्योंकि उसके पिताजी यूसुफ कारपेंटर थे, तो यीशु का भी जो नाम था उस वक्त में कारपेंटर वाला ही था, यानी कि लकड़ी का काम करने वाला, और लिखा है जो मरियम का पुत्र है, तो इसका मतलब है यीशु को, यीशु मसीह को उस वक्त में यहूदी औरत का बेटा कहा जाता था, जिसका नाम है मरियम, जो कि याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई, और क्या उसकी बहनें या हमारे बीच में नहीं रहती? ये जो शब्द है ना हमारे बीच में, आप चेक करिए हिस्ट्री को, आप चेक करिए मैप को, आप चेक करिए पूरे गूगल में जाके, और आप पता लगाइए कि ये क्षेत्र कहां है, बेथलेम कहां है, नासरत कहां है, आपका यरूशलेम कहाँ है, आपका इज़राइल कहाँ है, आपको पता चल जाएगा, और ये कौन सी कंट्री, आपको ये भी पता चल जाएगी, ये जूश नेशन था, ये यहूदी कंट्री थी, और मरियम जो थी वो यहूदी थी, जिसके चलते, अब आप लोग लॉजिक नहीं लगाना कि वो पापी है, नहीं हो सकती वो पापी।
आदम की बेटी है, आदम की वंशज है, लेकिन किसके अंडर में थी? व्यवस्था के। ना इसको देखे, लूका की किताब उसका 16:29 में अब्राहम कहता है किससे? उस व्यक्ति से जो नरक में पड़ा है, धनवान लाजर और धनवान की कहानी है। अब्राहम क्या कहता है? उसने कहा उनके पास तो मूसा की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, उनकी सुने। इसका मतलब है वो जो धनवान व्यक्ति था, इसको बंद कर लेना, एक व्यक्ति था जिसका नाम है धनवान, जो धनवान था नरक में, उसने कहा कि मेरे 5 भाई पृथ्वी पे हैं, वो उधार कैसे पाएंगे? अब जरा ध्यान से सुनना, आपको पता है अब्राहम ने क्या कहा? उनके पास में मूसा की किताब है जिसको कहते हैं व्यवस्था, तो उधार पाते थे मूसा की किताब पढ़कर, व्यवस्था के चलते उधार पाते थे, और उसके चलते मूसा ने कहा था कि तुम जो है उधार पा सकते हो मूसा की किताब के द्वारा, उसके व्यवस्था के द्वारा, इधर लाओ, व्यवस्था के द्वारा। और उसी के चलते दोस्तों हुआ यह, उसी के चलते दोस्तों हुआ यह, बड़े ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेगा। दरअसल में मेरा एसी जो है वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है काफी टाइम से, आपको मोड़ दबाते रहना है जब तक ये लोकेशन पे नहीं आता, ठीक है ना? ना बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब्राहम कहता है कि आपका उद्धार हो सकता है, किसका? उनके 5 भाइयों का। कैसे? व्यवस्था को पालन करो, उस वक्त की बात कर रहा हूं। लेकिन जब तक यीशु नहीं आया था व्यवस्था चलता था, लेकिन जैसे ही यीशु आ गया, अनुग्रह आ गया, यीशु का क्रूसिफिकेशन आ गया, और उसके चलते क्या हुआ दोस्तों? अब उद्धार जो है कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा। इसलिए मैंने उसको कनेक्ट किया। ना रोमियों की किताब उसका 4:8 क्या लिखता है, बड़े ध्यान से देख लेना, लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो यीशु मसीह को, क्षमा करें, मरियम को परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया। जब मरियम को परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया, तो फिर विचित्र लोग जो बाहर हैं, बाइबल के बाहर, मसीहत के बाहर, कुछ लोग जो हैं जो यीशु को नबी कहते हैं, या कुछ लोग और भी हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह पापी है क्योंकि वो औरत से पैदा हुआ, और औरत भी पापी है क्योंकि वो आदम से पैदा हुई, आदम का बीज उसके अंदर है, आदम का लहू उसके अंदर है। लेकिन ये वचन को कैसे भूल जाएंगे आप? वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया, जिसको परमेश्वर ने कहता है धन्य है मनुष्य जो जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए, तो मरियम जो है वो पापी नहीं है। ये यहाँ पर बात साबित हो गई। वो क्यों नहीं होता, क्यों नहीं पापी है? क्योंकि वो व्यवस्था के अंदर में पैदा हुई, या व्यवस्था के अधीन में चली, और वो धर्मी औरत थी। तो मैं वापस कहता हूं कि अगर कोई प्रभु के दासों, आप भी सुनो, या जितने भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको यह समझना होगा, अगर कोई ऐसा कल को सवाल उठाता है तो ये कॉन्सेप्ट से आपको उसको जवाब देना। मैं रिपीट करता हूँ, मसीह मंथन वालों, आप सुन रहे हो, आपके पास में भी लोग आते होंगे, उनको वो पूछते होंगे, पंजाब से आपको पूछते होंगे, आपको पूरे भारत से अगर कोई पूछता होगा कि यीशु से पैदा होकर, मरियम से पैदा होकर यीशु पापी हो गया, तो आपको क्लियर करना है कि जी नहीं दोस्तों, यीशु मसीह पापी नहीं था, वो तो सवाल ही नहीं उठता उसके ऊपर। मरियम भी पापी नहीं थी, क्योंकि मरियम जो है वो व्यवस्था के अधीन में पैदा हुई, ये बात यहाँ पर साबित होती है। ना यीशु तो किसी भी तरीके से पापी नहीं हो सकता, मतलब इसके विषय पे तो बात करना ही अलग हो जाता है, नहीं करना चाहिए क्योंकि सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं, इसलिए मैं रख रहा हूं, क्योंकि यीशु भी यहूदी था। ये देखिए, यीशु भी यहूदी था। अब वचन को ध्यान से सुनिएगा, गलतियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यानी कि किसको? यीशु को। लिखा है कि स्त्री से जन्मा, जो यहूदी औरत थी, मैं वापस कहता हूं, लेकिन वचन को देखिए, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो यीशु किसके अधीन उत्पन्न हुआ? व्यवस्था के। मेरे पास भी वक्त नहीं है, वचन डाल सकता था कि यीशु मसीह का खतना हुआ, यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ, या क्षमा करें पाला पोसा गया, वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ, व्यवस्था के अधीन में उसको सिखाया गया, टीचिंग दी गई। तो यीशु मसीह पूरी तरीके से व्यवस्था के अधीन में। मैं देखो क्या कर रहा हूं, पता है, चारों खाने चित्त कर रहा हूं। इसका मतलब है कोई कहता होगा कि यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ, इसलिए जो है वो पापी हो सकता है, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब यीशु मसीह शरीर से जन्मा है, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल सन, या फिर है ना कई लगाते हैं, तो वो भी कौन सा क्लियर कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ, तो यीशु मसीह को हम पापी नहीं बोल सकते। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जरा देख लीजिएगा, क्या मरियम का शारीरिक संबंध यूसुफ के साथ में हुआ था? कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अगर पेट में था तो मरियम की मंगनी होती हो गई थी, और उसके बाद में उसका जो है शादी हो गया होगा, 9 महीने तक कौन रुकता है, या फिर उनका कोई ऐसा है ना संबंध हुआ होगा। ये सारा लॉजिक अगर लगा रहे हैं, मेरे पास में उसका भी जवाब है। मत्ती की किताब उसका 1:25 कहता है, जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो इसका मतलब है कि मरियम का शारीरिक संबंध, यूसुफ का मरियम से शारीरिक संबंध नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ? जब तक वो यीशु को जन्म नहीं दी। आप ये लॉजिक समझिए इस बात को।
ना कुछ बुद्धि जीव लोग जो है उल्टा सीधा बकते रहते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि या तो पहले पूरी स्टडी करो, बाइबल को ठीक से समझो, वचन इसको चालू कर लो, या तो वचन को ठीक से समझो। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, आप उठ पटांग बातें नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मेरे मसीह समाज के जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, आप जो भी करते हैं सर, आपको ऐसी स्टडी के साथ में उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। इसको देखिए, फिर यीशु कैसे पैदा हुआ, ये प्रश्न है। यीशु कैसे पैदा हुआ, पेट में आया कैसे, यीशु मसीह मरियम के पेट में आया कैसे ना, वो भी बता देता हूं। इसको देख लीजिए, लूका की किताब उसका 1:35 लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, किसको, मरियम को कहा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र, वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो इसका मतलब है, अभी कुछ बुद्धिजीव लोग बीच में बता रहे थे कि परमेश्वर का बेटा यीशु, जब तक पुरुष स्त्री जो है संबंध नहीं करते, बच्चा नहीं होता, यीशु मसीह कैसे हो गया, ये लॉजिक लगाते हैं। मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, यह आपको पता है कि जब तक पुरुष स्त्री का संबंध नहीं होता, बच्चे नहीं होते, यह आपको पता है। अगर ऐसा सिस्टम ही नहीं होता तो फिर बच्चे कैसे आते, ये आप लॉजिक लगा सकते हो। तो जिसने सब कुछ को बनाया है ना, उससे सवाल नहीं करते, जिसने सारी दुनिया को रचा है ना, उससे सवाल नहीं करते। आपको समझना यहाँ है कि परमेश्वर है, परमेश्वर से आप उल्टा सवाल नहीं कर सकते, वो परमेश्वर है। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, परमेश्वर हर चीज कर सकता है। मैं वापस कहता हूं, ये वचन है जो कहता है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया करेगी, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के पेट में वो इसलिए आया, वो भी विषय लंबा है। यीशु को शारीरिक रूप में ही पैदा होना था। जिस औरत के पेट से यीशु जन्मा है, उस औरत के चलते जो पूरी मानव जाति बिगड़ी है, वहीं से उसको ठीक करना था। ये विषय बहुत लंबा है, मैं उसके